आईएएस है, तो कभी भी किसी भी कार्यक्रम में अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है। आज इस संख्या को देखकर हम लोग बुलाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, और ये चूंकि क्लियर कट ये स्वीप दिख भी नहीं रहा है। अगर एस लिखा होता बढ़िया चौक से ही सही, तो ये सब बातें इसलिए कि भविष्य में जब हम लोग कोई कार्यक्रम करें तो पूरे उत्साह से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई होते हैं, कहीं ना कहीं कॉलेज आइडेंटिफाई होता है, और स्पेशल हम लोग दिखते हैं। हम लोग स्वतंत्रता दिवस के एक दिवस पूर्व यहाँ पर मिल रहे हैं, तो जो देश के लिए कहा जाता है वही बात हम माता गुजरी के लिए कह देते हैं। हाँ, और ये बात सही हो गई तो फिर क्लैप करिएगा, ये आपके लिए है, वैसे देश के लिए पहले बोली गई है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक बगर है बाकी नामो निशा हमारा। ये आपके लिए सही है तो फिर कर लीजिए क्लैप, और है क्या देखिए इतने सारे लोग हैं, क्लैप की ध्वनि भी धीरे होती। अभी बीच में समोसा पार्टी नहीं हुई क्या? नहीं हो पाई, अगर बच्चों अगर 10-20 मिनट और रुकने की इच्छा है, आईएएस मैडम से मिलने की इच्छा है, तो अपन एस को प्रॉपर कर लेते हैं, और नहीं तो केवल एक फोटो खींचकर कार्यक्रम की तीसरी कर दे, ऐसे कार्यक्रम हमें पसंद नहीं आते। क्या बोल रहे हो? फिर बीच से भागने लगोगे आधे, जिनको भागना है अच्छा वो हाथ ऊपर कर दो। ये लड़की नहीं बोली तो भी गुस्से में क्यों नहीं बोल रही हो? नहीं पहले चौक ऑफ से लिख दीजिए मैडम, है ना, चौक से नहीं तो अभी कर देते हैं चौक से मोटा मोटा। कौन कौन बच्चा हमारी मदद करेगा लिखने में, एस लिखने में कौन मदद करेगा? एस वाले कौन करेगा? एस में जितने लोग हैं कौन मदद करेंगे? वेरी गुड, इसके लिए क्लैप करते हैं। हाँ, ये तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है पुरानी, इसके लिए एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए। चलिए एस लिखना है, वी कौन लिखेगा? वी, वेरी गुड। ई कौन लिखेगा? वेरी गुड। एक और ई भाग रहे हैं, बच्चों जिस ग्रुप में हम लोग हैं ना, और जिस चीज की कल हम लोग एक बहुत अच्छा देश के लिए ये झंडा लिए हैं और देश की बातें करेंगे, तो हमें उन लोगों की याद करना इस दिवस में जरूरत है। अब कुछ दिनों में हम लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जिसके मन में देश प्रेम की भावना है। वो कहते हैं ना, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आप सब पत्थर है कि नहीं? ये लोग तो अच्छे हैं, है ना, ये लोग पर अच्छा। इतनी धूप है क्या कि हम लोग पिघल जाए? अभी तो आइसक्रीम भी लोगे ना, वो भी नहीं पिघलेगी। नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं, मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा कोई बात,
खून बोलेंगे तो कितने सारे बच्चे तो और भाग जाएंगे। जो खून कलर का कपड़ा पहन के आया ना उसको भी बोलेंगे एक बूंद खून दे दो बेटा, वो भाग जाएगी, है ना। तो अब कशिश है तुम लोग आपस में प्लान बना के है ना, पहले से काम किया करो, कोई बात नहीं। मैं लेते हैं ना, ईएनसी एक ऐसा क्लब है जो बाय डिफॉल्ट संवैधानिक रूप से हर कॉलेज में स्थापित है। आपके कॉलेज में पिछले साल ईएनसी पे दो झंडे लाए हैं, 73 कॉलेज में से लगातार कॉम्पिटिशन करके टॉप किया और लास्ट में जो रिजल्ट आया नंबर वन पे आता गुजरी 73 कॉलेज को पीछे छोड़कर रहा है। तो ये परंपरा आपको मिली है। अब चूंकि अभी अभी आप नए हैं, आपको कुछ बातें पता नहीं है, इस कारण स्कूल वाली हरकत कर रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, एक आध बार के बाद धीरे धीरे जब आप लोग ये सब ईएलसी से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा आप लोग प्राउडफुल इवेंट में हैं, है ना, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब। आपको भी कितने लोग वो हैं जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, जरा हाथ ऊपर करिए। अरे वाह, जोरदार अपने लिए क्लैप कर लीजिए। एक बार ये क्लैप क्यों करवाया, क्योंकि आप वो सुपात्र बच्चे हैं जो देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अपनी सहभागिता करने की एज को हासिल कर दिए। आप में से किसका किसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, एक बार हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, ये तो बहुत आय संख्या में है, ये एनसीसी वालों को बोल रहे हैं, एक बार हाथ ऊपर करो एनसीसी वालों, गौर से देखो इन सबको। ये वो लोग हैं जो मंगल ग्रह से आए, तभी तो इनका कार्ड नहीं है। हाँ, इस देश के निवासी नहीं है, कहाँ क्यों नहीं है। अच्छा, आप बनवाना चाहते हैं क्या तुरंत? Yes, 5 मिनट के अंदर आवेदन करना है क्या? Yes,